भारत के दो खतरनाक प्लेयरों ने 15 अगस्त को क्रिकेट से लिया संन्यास। एक ने तो भारत को जिताई 3 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। दोनों एक अच्छे दोस्त के साथ साथ खतरनाक खिलाड़ी भी हैं। एक तरफ धोनी को थाला, वहीं दूसरी तरफ रैना को चिन्ना थाला के नाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना द्रीप ट्रॉफी 2005 में चल रहे ग्वालियर में दोनों दोस्त बने। उसके बाद इंडिया की सीनियर टीम के लिए बेंगलोर में लगाए गए कैंप में भी दोनों शामिल हुए। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है। 2020 में 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है और संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। तभी कुछ घंटों बाद सुरेश रैना के इंस्टाग्राम की मदद से वो भी क्रिकेट को अलविदा कह लेते हैं। दोनों ने 15 अगस्त को संन्यास लेने का मन बना लिया था। धोनी की जर्सी नंबर 7 और सुरेश रैना की जर्सी नंबर 3 है। दोनों को मिलाकर 73 बनता है और 15 अगस्त 2020 के दिन भारत को स्वतंत्र हुए 73 साल पूरे हुए थे। सुरेश रैना 2011 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को 2007 T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपी गई थी और भारत को विश्व विजेता बनाकर ही दम लिया। धोनी की कप्तानी में भारत 2011 वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के संन्यास के बारे में कुछ कहना है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए।